प्यारे बच्चों, आप सभी एक लंबी अवधि से आज़ाद IAS अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आप लोग लगातार देख रहे हैं कि संस्थान को हम व्यवस्थित कर रहे हैं और व्यवस्थित करने के क्रम पे एक बृहद प्लेटफॉर्म के तौर पे मध्य प्रदेश राज्य के सभी छात्रों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ साथ मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए एक समर्पित मंच बनाया गया है, जिसका नाम है आज़ाद MPPSC अकेडमी। बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ पर क्लासेज हो रही हैं प्रतिदिन के स्तर पर। तो चलिए, मैं आज आपको जितने भी मध्य प्रदेश के छात्र हैं, अब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को पूरे मध्य प्रदेश में फैला देना। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के छात्र बड़ी संख्या में इसमें तैयारी करना प्रारंभ कर चुके हैं, और यदि आप भी अभी तक नहीं जुड़े और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो आज़ाद MPPSC को अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए। इसके लिए देखिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ आपको सर्च क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार से आप लोग के क्वेश्चन भी आ रहे थे। तो इस पूरे के पूरे चैनल को अभी मैं पूरा दिखाऊँगा आपको। इसको संचालित कर रहे हैं कुलविंदर सर, है ना, और पूरी टीम है इसमें, आज़ाद ग्रुप की पूरी टीम है और कुलविंदर सर हैं। और कुलविंदर सर के बारे में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक लंबे अंतराल से आज़ाद ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और MPPSC एकेडमी की पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों में आपको एक सक्रिय भूमिका के तौर पे दिखते हैं। और सर ने विभिन्न परीक्षाओं को क्वालिफाई भी किया है, यहाँ तक कि IAS के इंटरव्यू तक भी पहुँचे हैं। तो एक बहुत योग्य शिक्षकों की टीम और एक योग्य संचालक आपके साथ है, और निश्चित तौर पर जितने भी कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम में एक कड़े परिश्रम और कड़ी मेहनत है। तो जिस तरीके से आज़ाद IAS एकेडमी एक बृहद प्लेटफॉर्म के तौर पर आप सभी के सामने है, वैसे ही आज़ाद MPPSC एकेडमी ये भी अपने आप में एक उतनी ही योग्यता रखता है। तो इस आधार पे आप सभी को मुझे जानकारी देनी थी। तो चलिए, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको पहला कार्य ये करना है कि आपको आज़ाद MPPSC यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप ये आप सर्च करेंगे, है ना, आज़ाद MPPSC एकेडमी। यूट्यूब पे जाएंगे, आज़ाद MPPSC एकेडमी, MPPSC एकेडमी, एकेडमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, आज़ाद MPPSC एकेडमी यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप ही सर्च करेंगे तो हमारे सभी चैनल आपको मिल जाएंगे जितने भी हैं। तो मध्य प्रदेश राज्यों के छात्रों के लिए एक समर्पित मंच है ये, और हमारा पूरा प्रयास यही है कि मध्य प्रदेश राज्य में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन मार्गदर्शन मिल जाए, है ना। इसी के तर्ज पे आज़ाद RPSC एकेडमी राजस्थान राज्य के छात्रों के लिए बनाई गई है, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए आज़ाद CGPSC एकेडमी है, है ना, बिहार के लिए आज़ाद BPSC एकेडमी है, उत्तर प्रदेश के लिए आज़ाद UPPSC एकेडमी है। तो ऐसे विभिन्न प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, और निश्चित तौर पे ये प्लेटफॉर्म से आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, मैं आपको अब बताता हूँ इस प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम क्या है। वैसे हर सप्ताह के कार्यक्रम इसमें आपको मिल जाएंगे, हर सप्ताह हर सैटरडे को पूरे के पूरे कार्यक्रमों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैनल है, आप YouTube पे जब सर्च करेंगे आज़ाद MPPSC एकेडमी, मैं भी आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे आज़ाद MPPSC एकेडमी तो आपको पूरा का पूरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कई वीडियो आपको यहाँ पर मैं पूरी प्लेलिस्ट दिखाता हूँ जो जो कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये अब आ गए हम लोग आज़ाद MPPSC एकेडमी के चैनल पे, ये देख सकते हैं आज़ाद MPPSC एकेडमी का चैनल है, और अभी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र इसमें लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों को जानकारी देनी ज़रूरी थी। ये प्लेलिस्ट है, इसकी प्लेलिस्ट में मैं आपको कार्यक्रम बता देता हूँ जो बहुत विधिवत तरीके से लगातार चल रहे हैं। पहली चीज़ है इसमें करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स को लेकर सर बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स को लेकर सर ने सबसे पहला काम किया है कि बहुत जैसे कि विषय आधारित टू द पॉइंट, है ना, एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं एनालिसिस लेवल पे, तो IAS स्तर तक का आपको यहां पर जानकारी मिलेगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम का स्तर भी वही होता जा रहा है, तो इसमें IAS की भी तैयारी कर रहे हैं यदि आप, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो टू द पॉइंट कार्यक्रम, अभी 52 एपिसोड इसके आ चुके हैं और लगातार प्रतिदिन के स्तर पर आपको यहां पर टू द पॉइंट कार्यक्रम मिलते हैं। दूसरा है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, मध्य प्रदेश राज्य के लिए अलग है, और इसके अलावा आप किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि संघ लोक सेवा आयोग की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर कार्यक्रम यहां पर
चलता है, और प्रतिदिन के स्तर पर यहाँ पर भी आपको आंसर राइटिंग की क्लास जरूर मिल जाएगी। उत्तर लेखन सर शानदार तरीके से यहाँ भी करवाते हैं। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है मध्य प्रदेश राज्य के और भारत के सभी लोक सेवा आयोगों को ध्यान में रखते हुए मेन्स आंसर राइटिंग प्रोग्राम रखा चलाया जा रहा है। करंट अफेयर्स का कार्यक्रम जिसमें करंट अफेयर्स लगातार एक साप्ताहिक इसका एपिसोड है, अभी तक 21 एपिसोड आ गए हैं। और करंट अफेयर्स क्विज बहुत शानदार है, इसमें जो यूपीएससी के बच्चे हैं आप लोगों के स्तर को ध्यान में रखते हुए क्विज का पूरा जितना भी करंट के, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आते, तो पीआईबी का सोर्स हो गया या फिर जो भी अन्य बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जहां से एक सोर्स के तौर पर करंट अफेयर्स होती है, जो लोक सेवा आयोग भी उनको सोर्स के तौर पर उठाता है, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स क्विज भी आपको मिल जाएगी, इसके अलावा करंट अफेयर्स कुलविंदर सर की यहां पर आपको मिल जाएगी, इसके अलावा संवाद को लेकर के भी सर लगातार अब आपको लाइव इसमें बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है, तो आपको लाइव भी सर यहां पर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपका स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी आपको यहां पर मिल जाएगा, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी आपको पर्टिकुलर आप मध्य प्रदेश राज्य है या फिर अदर स्टेट है तो स्टेट वाइज भी करंट अफेयर्स है, और एमपी स्पेशल जो कि मध्य प्रदेश राज्य को लेकर समर्पित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में जिलेवार अध्ययन, मध्य प्रदेश विशेष, सभी के सारी चीजें आपको यहां पर डिटेल से मिलने चालू हो जाएंगी। तो इसलिए सभी बच्चों को मैं यहां पर फिर से एक बार बता दूं कि आप सभी आजाद एमपीपीएससी एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और मध्य प्रदेश में आपको जानकारी सभी बच्चों तक पहुंचाना, अपने पूरे मित्रों से जितने भी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के एक एक बच्चे के पास आजाद एमपीपीएससी एकेडमी पहुंच जाना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी, और इसको बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे आप। जितना प्यार आपने आजाद आईएएस एकेडमी को दिया है उतना ही प्यार आप आजाद एमपीपीएससी एकेडमी को भी देंगे, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आप लोगों का अब तैयार हो चुका है, और निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस पूरे प्लेटफॉर्म को वही प्यार देंगे। यदि किसी तरीके का अभी भी आपको डाउट है तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पे पूछेंगे, आपको जवाब दिया जाएगा। और एक चीज़ और बताऊँ, मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी छात्र हैं, सभी छात्रों को जो डाउट होते हैं आपके, डाउट के लिए भी हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है एग्ज़ाम इंडिया का, वहाँ पर साप्ताहिक स्तर पर हर एक टीचर आता है और डाउट सेशन भी लेता है। तो एग्ज़ाम इंडिया के प्लेटफॉर्म पर सारे डाउट चलते हैं, शाम को 7 बजे सभी शिक्षक प्रतिदिन आते हैं, शाम को 7 बजे आपके डाउट भी लेते हैं। तो डाउट सेशन के लिए भी हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म है एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे लाइव चलता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर, आप लोग इसी तरीके से साथ बने रहिए, प्यार देते रहिए और पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पे हमारा उद्देश्य यही है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पूरा ऑनलाइन बैच है वो भी एग्जाम इंडिया के एप्लीकेशन के थ्रू रन किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहिए, एमपीपीएससी एकेडमी को वही प्यार दीजिए जो आपने आज़ाद आईएएस एकेडमी, आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी, आज़ाद आरपीएससी एकेडमी, सीजीपीएससी एकेडमी, वैसे आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।